हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरुवारी अमावस्या दीपावली पर किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार दीपावली 4 नवंबर गुरुवार को है। दीपावली पर सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी गणेश पूजन किया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, इसलिए हर कोई अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा वो उपाय करते हैं। इस बार की दीपावली गुरुवारी अमावस्या के शुभ योग में आ रही है, जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ रहेगा। साथ ही यह दिवाली कई शुभ योगों में मनाई जाएगी। दिवाली 2021 शुभ मुहूर्त। दिवाली का पर्व 4 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर प्रातः काल 6:03 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर को प्रातः काल 2:44 पर। लक्ष्मी पूजन मुहूर्त होगा 4 नवंबर गुरुवार शाम 6:09 से रात्रि 8:20। प्रदोष काल पूजन मुहूर्त होगा शाम 5:34 से रात्रि 8:10। वृषभ काल शाम पूजा का मुहूर्त होगा 6:09 से रात्रि 8:04। लक्ष्मी गणेश पूजन, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन सायंकाल यानी कि प्रदोष काल में करना लाभकारी होता है। शाम के समय पहले पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें। प्रतिमाओं को इस तरह से रखें कि लक्ष्मी जी की प्रतिमा गणेश जी के दाईं ओर रहे। प्रतिमाओं के समक्ष चावलों पर कलश की स्थापना करें। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। अब प्रतिमाओं को धूप दीप अर्पण करें। लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त में रोली मूली चावल गुड़ फल फूल नैवेद्य खील बतासे मिठाइयां लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित करें और श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर आरती करें। फिर घर के सभी कोनों में दीपदान करें। दीपदान आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 108 की शुभ संख्या में कर सकते हैं। अंत में मिठाइयां खीर आदि का भोग लगा के सबको प्रसाद बांटें। गुरुवारी अमावस्या उपाय। दीपावली अमावस्या की रात को तंत्र शास्त्र की महारात्रि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में किए उपाय चमत्कारिक फल देने वाले होते हैं। यह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की रात है और इस बार तो कई सालों के बाद दिवाली पर कई शुभ संयोग बने हुए हैं, इसलिए सालों बाद आए इस अवसर पर आपको कुछ आसान उपाय जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि आपको साल भर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और धन संपदा की प्राप्ति हो सके। दिवाली की रात में घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से ओम या स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, जिससे माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो सके। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन में आपको एक या दो हल्दी की गांठ जरूर रखनी चाहिए और लक्ष्मी पूजन के बाद इन हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी या गले में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में बरकत बढ़ने लगेगी। दिवाली की रात 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर पूजा स्थल पर रखें और पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपने पास रख लें। इस उपाय के प्रभाव से धन संबंधी परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही यदि आपका कोई रुका हुआ धन है तो वह भी जल्द वापस मिलने के योग बनते हैं। जय मां लक्ष्मी।